मुस्तफा कमाल साहब हमारे जम्मू सूबा के हमारे प्रधान बड़े भाई दोस्त रतन लाल गुप्ता साहब एडवोकेट डॉक्टर साहब के साथ आए हुए पड़ोसी बदलाए नहीं क्या अगर दुश्मनी में जाएंगे तो दोनों की तरफ की बात हो गई कोई हाथ पाठ होश में आओ अगर वतन को बचाना है करने से वतन टूट जाएगा ये वतन हम सबका है हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई बौद्ध हो या जो भी मजहब का है ये सबका वतन है और जब तुम ये फर्क शुरू करते रहते हो जब से तुम आए हो बेगुनाह को कतल करते हो उनकी माओ बहनों की इज्जत रोकते हो और कुछ नहीं कहते हो दलित सबसे कमजोर इसके लिए गांधी ने एजुकेशन की और जान दी अपनी किसके लिए उसे कहा कि उस मुल्क का हक है जो हमारा पड़ोसी है उनका हक वापस उसके उसको अपनी शहादत कब हम वतन में अमन दें कब हम वतन में एक दूसरे के भाईचारे को मजबूत करते हुए देखें क्या बात क्या तो फिर मुसलमान की अलग शक्ल होती है अलग उसके हाथ दूसरे होते हैं आंखें दूसरे होती हैं पांव दूसरे होते हैं ऊंचे होते हैं सीधे होते हैं और दूसरे मजहब के हैं उनके अलग अलग होते कहते थे ये उस मजहब का इसकी खासा अगर ईमानदारी से मैं चलूं और कोई मुझे जानता नहीं हो मैं किसी भी दुनिया में जाऊंगा वो नहीं कहते मैं मुसलमान जब तक मैं अपना नाम नहीं मैं आपको छोटी सी कहानी सुना या फिर ये बुरे की गाड़ी काफी मजबूती से खड़े रहने और जब ध्यान की बढ़ जाए उसको पीछे ना बल्कि अल्लाह से मांगे अल्लाह मेरी मौत तक तक ना आए तब तक ना अपना पास ना कोई आपका मालिक ना बने आप अपने मालिक खुद
ठीक है, जब तक रियासत के हर हिस्से को अपना हक नहीं मिले, हर बाशिंदे को अपना हक नहीं मिले, वो जो हुकूमत कर रहे हैं उस वक्त वाला के सामने जाने की दुआ नहीं कर सकते। मुझे चीज आपको बताता, तो आपको बताता है इसलिए कि तुम इंसान